पेडवुमन पद्मिनी, एक औरत के संघर्षों की दास्तां, महिलाओं से जुड़ी उन दिनों की बातें भी। उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव में इन दिनों लोग पद्मिनी की बातें करते नहीं थक रहे हैं। जिले में हसनगंज कस्बा निवासी पद्मिनी संकोच और सामाजिक बंदिशों को तोड़ पेडवुमन बनने की राह पर चल पड़ी हैं। उच्च शिक्षित महिला ने रूढ़िवादी विचारधारा रखने वाले लोगों को सबक सिखाते हुए माह के उन दिनों में प्रयोग किए जाने वाले सैनिटरी पैड बनाने का काम शुरू किया है। वह पैड निर्माण कर खुद युवतियों को जागरूक कर रही हैं। इस काम से गांव की कई अन्य महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है। हसनगंज कस्बा निवासी ओम प्रकाश सिंह मकान के ही एक हिस्से में कॉमन सर्विस सेंटर CAC चलाते हैं। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से फिजिक्स में MSc किया है। उनकी शादी वर्ष 2008 में पद्मिनी से हुई थी। पद्मिनी रुहेलखंड विश्वविद्यालय से MCOM है। बकौल ओम प्रकाश, करीब 9 माह पहले CAC में स्त्री स्वाभिमान के नाम से एक स्कीम आई। इसके बारे में जानकारी करने के बाद वे पत्नी पद्मिनी के साथ दिल्ली में एक सेमिनार में शामिल होने गए। वहीं पर उन्हें सैनिटरी पैड निर्माण करने की जानकारी दी गई। पद्मिनी ने इसका काम शुरू करने की इच्छा जताई। इसके बाद ओम प्रकाश ने जरूरी धनराशि 2,94,000 रुपए का इंतजाम किया। इसे जमा करने के बाद उसे एक मशीन और सामग्री दी गई। गांव आकर पद्मिनी ने स्त्री स्वाभिमान नाम से पैड निर्माण शुरू कर दिया। उनके साथ 4 अन्य महिलाओं को भी रोजगार मिला है। आसपास के अन्य गांवों की महिलाएं भी इसे स्वरोजगार के रूप में अपनाने लगी हैं। पद्मिनी ने बताया कि शुरुआत में तो महिलाएं इस पर बात तक करने को तैयार नहीं होती थीं। ऐसे में पैड बेचना तो उससे बड़ी चुनौती थी। उन्हें संक्रमण और अन्य समस्याओं के बारे में बताना शुरू किया तो काफी महिलाओं ने तो इस पर बात करना ही बंद कर दिया। महिलाओं की इस झिझक को तोड़ने के लिए पद्मिनी ने स्कूलों में जाकर लड़कियों को जागरूक करना शुरू किया। धीरे धीरे महिलाओं व युवतियों में संकोच और शर्म का घेरा टूट गया। वह इसे इस्तेमाल करने लगी। पद्मिनी ने पैड निर्माण का काम तो शुरू कर दिया, लेकिन उसकी सही मार्केटिंग नहीं हो पा रही है। उनके द्वारा बनाए गए पैड 8 पीस की कीमत करीब 40 रुपए है। हालांकि वे इसे 30 रुपए तक में बेच देती हैं। उनके मुताबिक पैड तैयार करने में करीब 25 रुपए का खर्च आता है। पति ओम प्रकाश कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा में बड़ी कंपनियों से कड़ी चुनौती मिलती है। सरकार सहयोग करे तो वे जरूर कामयाब होंगे। पद्मिनी के मुताबिक CAC से उन्हें 50,000 रुपए का फंड मिला था। इसमें उन्हें एक विद्यालय की 100 छात्राओं को साल भर तक निशुल्क पैड देना है। बताया कि अभी प्रतिमाह 1,200 से 1,300 पैकेट का निर्माण हो पा रहा है। यदि सरकार स्वास्थ्य केंद्र या स्कूलों में वितरण का काम उन्हें दे दे तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और इसकी लागत में भी कमी आ जाएगी, जिसका सीधा लाभ महिलाओं को मिलेगा।